दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में डे बुक कैसे बनाते हैं और डे बुक में हमने कितना पेमेंट रिसीव किया है या कितना पेमेंट किया है, वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और डे बुक आप आसानी से बना लेंगे। तो मैंने एक्सेल खोल लिया है। एक्सेल खोलने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ 3 शीटें ली हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बिल्कुल इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहले मैं इन शीट का नाम चेंज कर लेता हूं। एक शीट ले लेता हूं रिसीप्ट, एक शीट ले लेता हूं मैं पेमेंट और एक शीट ले लेता हूं मैं डे बुक की। तो मैंने ये 3 शीटें बना ली हैं। जो मेरी पहली शीट है वो रिसीव की है। रिसीव में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा सीरियल नंबर, डेट, पार्टिकुलर और आप इसको कैश ले रहे हैं या फिर कार्ड से ले रहे हैं, और इसके बाद लिखेंगे अमाउंट और इसके बाद लिखेंगे नरेशन। कॉलम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे आप। इसके बाद इसकी कॉपी कर लूँगा मैं और यही मैं रिसीव में आ जाता हूँ, यही मैं रिसीव में पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट में सीधे पेस्ट कर लिया मैंने और फिर पेमेंट में भी आके यहाँ पे भी आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने गलती से डे बुक में बना दिया था। तो ये मेरा रिसीव का हो गया, ये पेमेंट का हो गया और इसके बाद चलते हैं डे बुक में। डे बुक में हम बनाएंगे सीरियल नंबर, डेट, अमाउंट रिसीप्ट और अमाउंट पेमेंट और बैलेंस। इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं ये एक छोटा टेबल बना लेता हूँ। इसको रिसीव में आने के बाद मैं सेलेक्ट करके इसको टेबल में बना लूँगा। इंसर्ट में आ जाएंगे आप, टेबल ले लेंगे, माई टेबल एज हेडर, ओके कर लेंगे इसको। तो ये टेबल आ गया मेरा। जैसे ही मैं टेबल में लूँगा यहाँ पे एक टेबल टूल्स आ जाएगा। डिज़ाइन में आने के बाद मैं टेबल का नाम बदल दूँगा, टेबल रिसिप्ट, TBL रिसिप्ट। पेमेंट में आ जाऊँगा और इसको भी मैं टेबल में ले लूँगा, माई टेबल एज हेडर, ओके। और इसके बाद मैं डिज़ाइन में आने के बाद टेबल पेमेंट कर लूँगा इसको। अगला है डे बुक। डे बुक में अभी मैं इसको टेबल में नहीं लूँगा, पहले मैं यहाँ पे 1 नंबर डालूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा 1 से लेके मुझे 365 दिन पूरे यहाँ पे लिखने होंगे। तो यहाँ पे 1 लिखूँगा और फिल में आ जाऊंगा, ये वाला ऑप्शन है फिल। इसके बाद सीरीज़ में आ जाऊंगा। पहले आपने 1 लिख लेना है यहाँ पर और इसके बाद आपने यहाँ पे फिल में आना है। उसके बाद आपने सीरीज़ में आने के बाद यहाँ कॉलम करना है। 1 से आपको मान लीजिए 370 या 365 जितने दिन लेने हैं वो यहाँ पे आप लिख के ओके कर देंगे। तो ये सीरीज जो है आपका, ये सीरीज जो है नीचे तक आ जाएगी। आप देखेंगे ये पूरी 365 दिन तक आ गई। अब मैं यहाँ पे पूरे साल की डेट डाल दूँगा, 4/1/2018, और इसको भी डबल क्लिक कर दूँगा तो आप देखेंगे ये नीचे तक आ गया। इसी में मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल, और इसका जो मैं डेट का फॉर्मेट है वो ये वाला ले लूँगा, ओके कर लूँगा इसको। तो मैं एक बार छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कि ये लास्ट तक कैसे चलेगा। ये जनवरी फरवरी से ले अप्रैल से लेकर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च सब लास्ट तक चलेगा आपका। ये 31 मार्च तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अभी मैं इसको सेलेक्ट करके इसको सेंटर कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। और ये डेट हो गई, ये अमाउंट रिसीव हो गया। रिसीव डाटा, रिसीव में आते हैं हम। यहाँ पे
मैं चाह रहा हूँ ऑटोमेटिक सीरियल नंबर चलें, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले को आप ध्यान से देखेंगे, बराबर का साइन लेंगे इफ ब्रैकेट, और इसमें हम कंडीशन लगाएंगे लॉजिकल टेस्ट, ये वाला सेल यानी जो डेट है ये बराबर है दो बार इन्वर्टेड कोमा। इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, कोमा। आप वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या लेना चाह रहे हैं? अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी ना आए, सीरियल नंबर में कुछ शो ना हो, कोमा। वैल्यू फॉल्स में अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो वैल्यू फॉल्स में हम दे देंगे रॉ ब्रैकेट वन और कॉलन वन, दो ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दें, एंटर कर दें। तो आप देखेंगे ये 1 2 3 ये ऊपर भी शो कर रहा है आपका। तो यहाँ पे हम जैसे ही डेट डालेंगे, जैसे 4/1/2018, तो आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली 1 आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको भी मैं डेट फॉर्मेट दे दूँगा, ये डेट फॉर्मेट हो गया। पार्टिकुलर किससे आप रिसीव कर रहे हैं? मिस्टर परवेज आलम कैश रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट 50,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ओनर। आप इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो ये देखा आपने, हमने यहाँ पे एक रिसीव कर लिया। इसके बाद मैं पेमेंट में आ जाऊँगा, पेमेंट में भी मैं यही कंडीशन लगाऊंगा इफ़ ब्रैकेट ये वाला सेल बराबर दो बार इन्वर्टेड कोमा, कोमा फिर दो बार इन्वर्टेड कोमा, यानी कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आए, नहीं तो आपका रो ब्रैकेट 1/1 वन कॉलन वन, और दो बार इसमें आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही आप यहाँ डेट डालेंगे, इसका भी फॉर्मेट सेट कर लेते हैं डेट का, तो ये आ गया आपका रेंट ऑफ बिल्डिंग, कैश आपने 5,000 पेड किया है, बीइंग रेंट पेड ऑफ द मंथ अप्रैल। तो ये हमने पेड कर लिया है। अब इसी तरह से आपने क्या करना, आगे तक ट्रांजैक्शन कर लेने हैं, जो भी पेमेंट या रिसीव हो रहा है वो आगे तक आपने कर लेना है, रिसीव पेमेंट। अब हम इसको डे बुक में कैसे देखेंगे, डे बुक में देखेंगे कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पहले बराबर। यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा हमारा सम इफ का लगेगा, सम इफ ब्रैकेट, ये पूछता है रेंज। तो हमने अमाउंट रिसीव का जो टेबल है उसका नाम रखा था TBL रिसीव्ड, और आप इसके बाद जो P के बराबर में P के दाहिनी साइड जो ब्रैकेट्स होते हैं उसको आप शुरू करेंगे। यहाँ से आप डेट ले लेंगे और ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, कोमा। क्राइटेरिया, अब जो हम क्राइटेरिया लेंगे वो ये वाला लेंगे क्राइटेरिया, यानी कि B6 वाला, इसको लॉक नहीं करेंगे, कोमा। सम रेंज जो लेंगे हम TBL रिसीव ब्रैकेट्स, और इसमें अमाउंट का ले लेंगे, एंटर कर देंगे। तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि आपने टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया एक डेट में। इसी तरह से पेमेंट में आ जाएंगे, सम इफ ब्रैकेट रेंज ले लेंगे TBL पेमेंट में डेट, ब्रैकेट्स लगाने के बाद इसका भी हम यहाँ से जो क्राइटेरिया है वो B6 ले लेंगे, कोमा, सम रेंज ले लेंगे TBL पेमेंट, और पेमेंट में आने के बाद अमाउंट। बहुत सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, बैलेंस देखना है, बराबर ये वाला सेल माइनस रिसीव माइनस पेमेंट, ये बैलेंस आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसको भी हम टेबल में करेंगे, लेकिन क्या है पहले हमें इसको बना लेना है, फिर उसके बाद टेबल में करना है। बराबर ये वाला सेल प्लस जो नेक्स्ट रिसीव हो
माइनस जो पेमेंट हो। अब आप क्या करेंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको भी टेबल में कर देंगे, इसका नाम रख देंगे TBL डे बुक। अब आप देखेंगे कि हमने 4/1/2018 को आपने लोन फ्रॉम एक्स कंपनी कैश लिया है 40,000 बीइंग लोन रिसीव फ्रॉम एक्स। तो आप देखेंगे जो हमारा टोटल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो पेमेंट करेंगे, मान लीजिए हमने 2/4/2018 को हमने मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट किया है 2,000 बीइंग मेंटेनेंस चार्ज पेड फॉर आपका कंप्यूटर, ये जो भी आप अपनी नरेशन देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। अब आप इसमें डे बुक में आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप, अभी हमने क्या है ये फॉर्मूले आगे नहीं बढ़ाए हैं, तो यहाँ देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 तारीख को आपका कोई भी रिसीव नहीं हुआ है और पेमेंट ये हुआ है, और हमारे पास जो इस समय बैलेंस है वो इतना बैलेंस है। तो ये डे बुक है। अब आगे इसमें आप इसी तरह से ट्रांजैक्शन और कर लें, यहाँ पे किसी 2 तारीख को ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, मिस्टर परवेज आलम से फिर आपने कैश लिया है 20,000 तो ये आ गया आपका डे बुक में। देखेंगे आपका 2 तारीख में यहाँ पे 20,000 टोटल हमारे पास बैलेंस इतना बचा। अब हम किसी पार्टिकुलर डेट का देखना चाहते हैं तो यहाँ डेट लिख देंगे या अमाउंट रिसिप्ट, अमाउंट पेमेंट और बैलेंस, इसको भी हम एक यहाँ से बॉर्डर लगा लेते हैं, इसको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बराबर वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारी डेट कोमा टेबल जो होगा हमारा टेबल, हम यहाँ पे टेबल अरे में जो हम लेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसको पहला वाला सीरियल नंबर छोड़ देंगे इसमें। तो इसका मतलब ये बताएगा कि टेबल डे बुक के अंदर डेट से लेकर बैलेंस तक, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें दूसरा कॉलम चाहिए, देखें ये पहला हो जाएगा डेट वाला, ये दूसरा हो जाएगा तो हमें दूसरा चाहिए, कोमा फॉल्स के लिए हम 0 कर देंगे। तो आप देखेंगे ये NA वाला एरर है, और इसको मैं NA वाला एरर भी आपको निकालना बताऊंगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इफ़ एरर फार्मूला शुरू में लगा देंगे और बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, कोमा 2 बार इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आप वो एरर भी नहीं देखेंगे। अभी हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है आगे, तो B2 को हम लॉक कर लेंगे। लॉक करने के लिए हम F4 की का इस्तेमाल करेंगे या फिर B से पहले एक डॉलर का साइन लगा देंगे, और यानी कॉलम से पहले और रॉ से पहले एक डॉलर का साइन लगा देंगे, तो आप देखेंगे ये लॉक हो गया। इसको हम आगे ड्रैग कर देते हैं, बस चेंजेस हमें ये करना होगा कि यहाँ पर हमें 3 करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 4 करना पड़ेगा, चाहे तो यहाँ पे आप माइनस प्लस का सीधे वही लगा दें। अब हम कोई डेट डालते हैं 4/2/18 कि 2000 रिसीव हुआ है, 2000 पेमेंट हुआ है और बैलेंस आपके पास इतना है। आप चाह रहे हैं कि एक दिन का बैलेंस देखना है तो इसको डिलीट करके बराबर इसमें से माइनस कर लेंगे ये वाला कि आज का दिन हमारे पास इतना कैश बाकी था, इसको भी आप डेट फॉर्मेट में ले लेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में। अभी मैं यहाँ पे
4x18 में लेता हूँ तो ये आपको 4x18 की डिटेल देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बना सकते हैं डे बुक, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो ये था हमारा डे बुक पेमेंट और रिसीव का, मिलते हैं अगले वीडियो में।